दोस्तों, कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है। अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में कम है तो इसको कहा जाता है हाइपोकैल्शिमिया या कैल्शियम की डिफिशियंसी। कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारे नर्व की बेहतर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। अगर किसी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से आपको ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस के होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी हड्डियों को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी किन किन कारणों से हो सकती है, आइए समझते हैं। दोस्तों, अगर आपकी डाइट में लंबे समय से कैल्शियम की कमी चल रही है, यानी जो आप खाना खा रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं है, तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। एज भी एक बहुत बड़ा कारण है शरीर में कैल्शियम के कम होने का। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है, जिसकी वजह से कैल्शियम कम होने लगता है। अगर आप सर्टेन मेडिकेशन यूज करते हैं तो आप में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, फिर चाहे वो थायराइड की मेडिसिन हो या स्टेरॉइड हो। अगर आपकी डाइट इम्बैलेंस है तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट से इंटॉलरेंस है, आप उसे नहीं ले सकते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। दोस्तों, कैल्शियम की कमी होने पर आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं, आइए उन लक्षणों को जान लेते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर आपको मसल्स क्रैम्प होता है तो ये कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में कम हो तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है, और हड्डियों में कैल्शियम की कमी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी बिल्कुल कमजोर हो जाती है और छोटी सी चोट लगने पर टूटने का हमेशा डर रहता है। ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस का ही छोटा सा रूप होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो आपकी स्किन ड्राई और डल होगी, आपके नाखून पतले और कमजोर होंगे और ब्रिटल हो जाएंगे। स्किन ड्राई होने के साथ आपके बॉडी में खुजली या इचिनेस महसूस होने लगती है, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो। कैल्शियम की कमी से आपको स्किन डिजीज जैसे एक्जिमा और सोराइसिस होने की संभावना भी बढ़ जाती है। हमारे हार्ट की स्पीड को प्रॉपर चलाने के लिए भी कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हार्ट की स्पीड के गड़बड़ाने का डर रहता है, जिसकी वजह से हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों, वैसे तो कैल्शियम की कमी को हम कैल्शियम से भरपूर चीजों को अपनी डाइट में शामिल करके भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश हमारा शरीर खाने के द्वारा कैल्शियम नहीं ले पाता है, तब हमें कैल्शियम सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है। वैसे तो मार्केट में कई ब्रांड के कैल्शियम टैबलेट्स व कैप्सूल के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्रेस्टीज कैल्शियम टैबलेट बेस्ट है। कई बार कैल्शियम सप्लीमेंट की वजह से किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन प्रेस्टीज कैल्शियम टैबलेट्स शरीर में बेहद आसानी से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे स्टोन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें विटामिन D3 भी होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।